कुछ नहीं मिलता यहाँ। केतकी बेटा देर हो रही है हमको। आई खुद ही तो चीजें यहाँ छोड़ते रहते हैं, कलम किचन में, छोला गार्डन में, चश्मा बाथरूम में, और पता है छाता आप रामदीन की दुकान पर भुलाए थे। चाय क्यों चला लेती मेरा चश्मा, आंखें खराब हो जाएंगी तेरी। नहीं? क्या हुआ? अब इस चश्मे से तो तुझे नमक भी शक्कर जैसे नजर आएगा ना। ओ बाबा। तेरी माँ होती तो कहती कि केत की ससुराल जाकर नाक कटवा देगी, यही ना। मगर हमारी बिटिया तो ऐसे घर जा रही है जहां पानी के लिए हाथ नहीं उठाना पड़ेगा। बड़े ऊंचे जमींदार लोग हैं, और लड़का क्या बात है। मैं शादी वादी नहीं करने वाली, देख लेना। क्यों? मैं चली गई तो सारी चीजें गुम कर दोगे तुम। ये तो है, एक आइडिया है। तेरा घर वाला तो घर जवाई बनने से रहा, मैं ही घर ससुर बनकर तेरे साथ चल पड़ता हूँ। क्यों? खबरदार जो हमारी लक्ष्मी को ऐसा वैसा कहा तो। चलो हटो सब, द्वार पूजने में लेट हो रहा है। बेर-बेर बुलाव भेजा जा रहा है भाई। देखिए सवेरे से आप कुछ खाए नहीं, अभी भी कितना देर हो गया है। वहाँ दुनिया भर का लोग दरवाजा पर पड़ा हुआ है और आपको खाने का लगा है। सुनिए ना, बस एक मिनट बैठ के थोड़ा खीर खा लीजिए, आपकी पसंद का बनाए हैं। कह तो दिया, भूख लगे कि खुद खा लें। देखिए देर होने से आपका तबीयत खराब हो जाता है, बस दो चम्मच ले। तुम औरत लोग तो अच्छा बताए तो सही, दाल में नमक पड़ता है कि चीनी? मिर्ची। अरे हटो रे हटो, तनी हम भी तो देखे दुल्हन का मुँह। हाँ हाँ देखो देखो ना। एकदम नहीं, टिकट लगेगा। टिकट? हाँ सनीमा का फोकट में देखेगा। अच्छा भाई ले, हम काहे देखे फोकट। बिल्कुल लक्ष्मी जैसी है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो छोटे जी? ओ सनीमा का टिकट खरीद रहे हैं भाभी, आप भी देखेंगी का? चुप रहिए, बहुत बर्दाश्त कर लिया आज तक, बस यही सुनना बाकी था कि हम चोर हैं। आप खोल के पढ़ लीजिए, पाई पाई का हिसाब लिखा है। काहे बिना बात का बवंडर उठा रहे हो आप ऐसे? हम तो बस शादी का हिसाब पूछे। अरे बवंडर हम नहीं, आप उठा रहे हैं। औकात का ठिकाना नहीं और तमाशा करेंगे दुनिया भर का। क्या तमाशा किए हैं? जितना तुम्हारा शादी में खर्च किया उसका एक चौथाई भी तो नहीं किया विनय सिंह के लिए। जैसे तैसे जोड़ी का इज्जत रख रहा है। अब जितना इज्जत बढ़ाना है बढ़ाइए, लेकिन पहले नाच वाला और शामियाना का पेमेंट अर्जेंट जमा कीजिए, नहीं तो कैंसिल कर देगा बीच में, माटी हो जाएगा सब कुछ। कैसे कैंसिल कर देगा बाबू साहब, हम भी। तुम चुप रहो रामबरन, बहुत देख लिया तुम्हारा दोगला नीति का व्यापार। हम अच्छा तरह से जानते हैं कि पूरे तामझाम का मंत्र आपका ही दिया हुआ है, मगर आपको भी मालूम होगा कि अब यहां कुछ नहीं बचा है। हमारे पिताश्री पहले ही आपके नाम सारा जमीन जायदाद लिख चुके हैं। बस बहुत बोल चुके आप भाई साहब, जमीन सब कोई दान में नहीं दिया गया रामबरन को, आप ही लोगों का यासी और फिजूल खर्ची पर उठाया गया पैसा था सब। अब बंदी कीजिए आप लोग, ये आज का दिन में कोई लड़ाई। आप बीच में मत बोलिए, कोई राय नहीं मांगा गया आपसे, और भला चाहती है तो अपने देवर को भी साथ ले जाइए यहाँ से। भला बुरा आप अपना सोचिए भाई साहब, हमारा तकदीर तो आप लोग
पहले ही लिख चुके हैं। चलो छोटे जी, शुभ दिन है आपके लिए, आज मत फंसो इस फसाद में। अरे हम ही निकल जाते हैं इस फसाद से, देख लीजिएगा, सब त्याग देंगे और छोड़ छाड़ के चले जाएंगे एक दिन, फिर बजाते रहेगा बांसुरी। बिलासपुर, फरवरी 1996। गांव की पंचायत ने 22 बरस की विधवा गंगा और उसकी मां तारा देवी को मार मार कर गांव की सीमा से बाहर खदेड़ देने का आदेश दिया। उन पर दुष्चरित्र होने के साथ साथ डायन होने का भी अभियोग था। एक एक आदमी को पकड़वाइए। आप काहे फिक्र करते हैं कलेक्टर साहब, यही मंदिर में आसन जमाया जाए ना, अभी हाजिरी लगवाते हैं सबका। आइए 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 आया जाए आइए। अरे भाई जरा बेंच कुर्सी लगवाइए, जाइए जल्दी जल्दी कीजिए, आइए आइए आइए। कोई छूटने ना पाए, मगर बाहर कैसे गया ये खबर? आप क्या सोचते हैं, इतना बड़ा कांड आप छुपा लीजिएगा? का मतलब? मतलब का बात छोड़िए बहन जी, बाहर जाइए, साहब लोग का चाय पानी करवाइए, हम बाबू सुवन सिंह को खबर करते हैं। आइए। देखना कोई मुंह नहीं खोले। हम तुमसे पहले ही कहते थे कि गांव के पॉलिटिक्स में मत पड़ो। बाबू साहब ये आपके गांव का पॉलिटिक्स नहीं, कलेक्टर का इंक्वायरी आया है। चलिए। कोई जरूरत नहीं जाने का बाबूजी, हम लोग को कुछ लेना देना नहीं इस मामला से। अच्छा, पंचायत करके सब लोग विधवा का मर्डर कर दिए और अब कुछ नहीं? बात बंद कीजिए एमएलए दुर्गा पांडे, हिम्मत है तो उन लोग को पकड़िए जो गंगा देवी का देश नोच नोच के खाए और उसका जमीन जायदाद सब हड़प ली है। फिर तो एक और आइटम का हिसाब करना होगा बाबू अभय सिंह, कि पिछला इलेक्शन का टाइम में जब आपका दिवाला निकला हुआ था तो कैसे आप गंगा देवी का 22.5 तोला सोना पन्नालाल सुनार के यहाँ रखवा के पैसा उठाए थे? अरे छोड़िए, सब बकवास है। चलिए भाऊ साहब। चलिए। क्या बात है बाबूजी, कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई विधवा कांड, कलेक्टर का इंक्वायरी आया है। ये तो होना ही था बाबूजी। चलिए बाबू साहब, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपना जात का लोग भी शामिल था सब, रमेश राव, उदयसर, कलुआ, सब क्या था भाई? काहे गया था तुम सब रे? अरे वही दारू पिला के 20-20 का नोट चिटका दिया है ठेकेदार त्रिपत सिंह। उक्का साला सब, कितना समझाया कि बड़का लोग पॉलिटिक्स में मत पड़ो, मगर ये सबको तो अब जो होना था सो हो गया। चुप रहना सब वहाँ, नहीं तो जाओगे सब चक्की पीसने। एक एक को नंगा कर देंगे हम। का हुआ? दुगला है सब, हम चुप नहीं रहेंगे, साला परपंची सब। बस अब चुप भी कर, हमरा कहा जाता है? कहे अन्याय करते रहे सब। देख
अब तू कुछ नहीं कहेगा। अरे मन तो करता है कि हाकिम के सामने एक एक का नाम उगल दे। मन तो हमरा भी बहुत कुछ करने को करता है रे। धंधारी बाबू ये तो ऐसे बड़बड़ कर रहा है, बुखार है ना रात से। अरे हट ना। अरे बुखार तो इस साले का एक मिनट में झाड़ देंगे हम। क्या कर लीजिएगा आप? अरे भाई साहब इस साले को तो हम। अरे क्या कर रहे हो धनुर्धारी? छोड़ दीजिए तिब्बत मालिक, कुछ नहीं बोलेगा। साले का रो रो तो भाई साहब का कर्जा में डूबा है। और इस साला मालिक ये आज रात को पंजाब जा रहा है, अब वही कमाएगा। बस आज आज माफी दे दीजिए। पंजाब? तो इधर सूद ब्याज कौन चुकाएगा? हम है ना बाबू साहब, क्या तो कमाते ही है, आपके यहाँ भी कर लेंगे, कैसे भी कुछ भी कर लेंगे हम। हाँ अच्छा ठीक है। वाह कमाल है भाई, आप लोगों में से कोई नहीं जानता ये हादसा कैसे हुआ। दो औरतों की जान गई और वो आपके गांव की थी। साला सब परपंच करके अब आया है लिपापोती करने। फालतू बात मत करो भाई सिंह। आइए आइए तिरुपति सिंह जी, चिंता का कोई बात नहीं है, सबका मुंह पर ताला लग चुका है। आइए आइए। प्रणाम सर, आपको बहुत तकलीफ हो गया सर। वो सब छोड़िए तिरुपति सिंह जी, आपको तो मालूम होगा इस हादसे के बारे में। मालूम तो सभी को है सर, सब जानते हैं गंगा देवी और उसके मदर के बारे में। ये अपना गांव का बात है बोलते अच्छा नहीं लगता। एक तो उनका चाल चलन ठीक नहीं था और दूसरा दिमागी हालत बिल्कुल आउट हो गया था। काम जी तो इसीलिए मठ मंदिर में आने से मना कर दिए थे। सुना है पेट से भी हो गई थी और थू-थू हो रहा था, मगर हमारे गांव में फिर भी लोग बहुत बर्दाश्त करते हैं सर। रिकॉर्ड है कलेक्टर साहब, हमारे बिलासपुर में आज तक दंगा फसाद नहीं हुआ। क्या वही रामवरण हुआ तो? कलेक्टर साहब, कोई आदमी ये गांव में इंक्वायरी नहीं चाहता, इसको दुर्घटना समझ के छोड़ दिया जाए। लेकिन प्रशासन इस तरह चुप तो नहीं बैठ सकती। तो कोऑपरेट करेंगे ना सर, फुल कोऑपरेशन देंगे, इंक्वायरी होने दिया जाए। पांडे जी वो जी चला जाए, देवड़ी तक चलिए ना जी, कुछ चाय पानी। बहुत टेंशन है बाबू साहब, छोड़ दिया जाए। और फिर हम तो आए रहे परसों वो आपका विनय बाबू का रिश्ता के लिए। अच्छा